अस्सलाम वालेकुम शेख वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। जी। शेख, मेरा सवाल ये है कि जैसे रजाई माँ होती है, वो उसकी क्या मुद्दत होती है, कितना टाइम उसको दूध पिलाने के बाद वो रजाई माँ बनती है? जी सर, रजाई माँ की क्या मुद्दत होती है? मतलब सवाल थोड़ा और वाजे कीजिए। जी, मेरा मतलब है कि महीना पिलाने से वो रजाई माँ बनती है, साल पिलाने से, या कुछ दिन कैसा है वो रजायत का जी? सबूत कब बिल्कुल होगा? जी, बिल्कुल। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रजात के बारे में आपने सवाल किया है, तो इसमें दो अहम चीजें हैं जिनको आप समझें तो इंशाल्लाह मसला आपके लिए वाजह हो जाएगा। पहली चीज ये कि किसी बच्चे को अगर कोई औरत उसकी माँ के अलावा कोई औरत दूध पिलाती है तो दोनों के दरमियान रजात का रिश्ता उस वक्त साबित होगा जब कम से कम वो 5 बार उसे दूध पिलाएगी। कम से कम 5 बार, अगर 5 बार से कम किसी औरत ने किसी बच्चे को दूध पिलाया है तो उससे रजात साबित नहीं होगी। जैसा कि आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा की हदीस है कि पहले ये तादाद 10 थी, कुरान के अंदर नाजिल हुई थी 10, फिर बाद में ये हुक्म मनसूख हो गया और 5 बार पिलाने वाला जो हुक्म है वो अब जो है मुहकम है और साबित है। जी तो अगर कोई औरत 5 बार दूध पिलाएगी तो उससे रजात साबित होगी। 5 बार का मतलब क्या है? 5 बार का मतलब ये है कि बच्चे को औरत ने दूध पिलाना शुरू किया, बच्चे ने अपनी रजा और रगबत से दूध पीना शुरू किया और उसके बाद वो उसने छोड़ दिया। आसूदा, जाहिर है जब बच्चा आसूदा होता है तो छोड़ देता है। कभी ऐसा होता है कि सांस लेने के लिए थोड़ा सा उसने चंद सेकंड के लिए छोड़ा, तो इसको छोड़ना नहीं कहते हैं बल्कि वो मुकम्मल तौर से पी करके आसूदा हो जाए। एक मजलिस में उसने जितनी देर भी उसको पीना है पिए, 5 मिनट 10 मिनट, इसको कहते हैं एक बार। अब उसने एक बार पी लिया, अब जब फिर दोबारा उसको जरूरत होगी, चाहे उसी दिन या किसी दूसरे दिन या दूसरे महीना, कोई इसकी कैद नहीं है। जब दोबारा पिलाएगी इसी तरह से एक मजलिस में एक बार, तो ये दूसरी बार होगा। इसी तरह से करके जब वो 5 बार पिलाएगी तब वो रजात साबित होगी। तो ये पहला मसला है जिसको आप अच्छी तरह से समझ लें। दूसरा मसला इसमें यह है कि उस बच्चे की उम्र कितनी होनी चाहिए, यानी किस उम्र में वो औरत उस बच्चे को दूध पिलाएगी तब रजात का रिश्ता साबित होगा दोनों के दरमियान। इस सिलसिले में उलमा के दरमियान आप थोड़ा इख्तिलाफ पाएंगे, लेकिन जी सही बात अदिल्ला की रोशनी में यह है कि इसकी कोई मुद्दत नहीं है। बहुत सारे फुकहा को आप देखेंगे कि वो कहेंगे कि 2 साल इसकी मुद्दत है, लेकिन दरअसल सही बात यह है कि इसकी मुद्दत 2 साल नहीं है, क्योंकि बच्चे की जो रजात की मुद्दत है, रजात एक वस्फ है। रजात एक वस्फ है, जब तक ये वस्फ पाया जाएगा तब तक वो मुद्दत पाई जाएगी, और ये वस्फ 2 साल से पहले भी खत्म हो सकता है, 2 साल के बाद भी जा सकता है। तो उसकी मुद्दत को 2 साल से तहदीद करना ये सही नहीं है, बल्कि ये एक वस्फ है और उसका जाबता ये है कि जब तक, जिस उम्र तक बच्चे की बुनियादी गिजा दूध हो और बच्चा अपनी रजा और रगबत से दूध पी रहा हो, ये 2 शर्तें जिक्र करते हैं फुकहा। उसकी बुनियादी गिजा दूध हो और बच्चा अपनी रगबत से दूध पी रहा हो, तो ऐसी सूरत में अगर कोई औरत उसे दूध पिलाती है ऐसी उम्र में, ऐसे मरहले में, तो हम कहेंगे कि रजात साबित हो गई। अब जैसे अगर कोई बच्चा दूध पी रहा है 4-6 महीने का, साल भर का है, उसको अलग जी से थोड़ा सा उसकी माँ कुछ खिला भी देती है, उसको शहद खिला दिया या कोई और, वो अभी तो इस जमाने में बहुत सारी चीजें खिलाने के लिए बच्चों के लिए बनाई जाती हैं अनाज की, या थोड़ा सा जी उसके मुंह में चावल डाल दिया या कोई खाने पीने की चीज डाल दिया, तो लेकिन वो चीज बच्चे की बुनियादी गिजा नहीं है, वो एक जानबी चीज है जो उसको दे दिया गया। बुनियादी गिजा अभी बच्चे की दूध ही है, तो इसका मतलब अभी वो मुद्दत बाकी है। तो इसीलिए कहते हैं कि जब तक उसकी बुनियादी गिजा, यानी जिस चीज पर बच्चा जी रहा है, जिससे उसका पेट भर रहा है, वो उसकी बुनियादी गिजा है। जब तक उसकी बुनियादी गिजा दूध होगी,
तब तक वो मुद्दत रजात में होगा। अब ये मुद्दत डेढ़ साल में भी खत्म हो सकती है, ये मुद्दत सवा दो साल ढाई साल भी जा सकती है। तो बहरहाल इस मुद्दत में अगर उसको दूध पिलाया जाता है तो इससे रजात साबित होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इन नमर रजातो मिनल मजाअते। इसी तरह से रजात के बारे में है कि मा फतकल अमआ, उसकी जो पेट की जरूरतें हैं, उसकी जो नशो नुमा होती है, जब तक उस दूध से उसकी नशो नुमा दूध पर डिपेंड हो तब तक उसकी मुद्दत रजात है। तो सही बात यह है कि रजात की मुद्दत दो साल नहीं है, दो से कम भी हो सकती है, दो से ज्यादा भी हो सकती है, डिपेंड इस बात पर करता है कि बच्चा कब तक दूध पर डिपेंडेबल है, तब तक उसकी मुद्दत रजात है। जी, जज़ाकअल्लाह खैर।